अंधकार को क्यों धिक्कारे, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। दीप से दीप जलता ही रहेगा, सीखा है जो सबको सिखाए, औरों को पढ़ाए, अपना जीवन सफल बनाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। अंधकार को क्यों धिक्कारे, दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाए। भैया ये किस चीज की चित्र है? गाय। गाय। और यहाँ क्या लिखा है? गाय। तो भैया हम इसमें लिखा गए हैं, तुम सब भी लिखो। बगल में गंदा। ये हुआ गा। चलो तुम सब लिखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। अरे ओ रामू चाचा, काहे उल्टा लिखा तुम, हैं? इतना लिखो इतना। प्रौढ़ों की मानसिकता बच्चों से भिन्न है, उनमें बिना रुचि जगाए हम उन्हें साक्षर नहीं कर सकते। मनोरंजन के साथ साथ उनमें चेतना तथा साक्षरता लाने के लिए सिर्फ किताबें ही पर्याप्त नहीं हैं। क्षेत्र स्तर पर कई उपयोगी और कम लागत के साधनों को बनाया जा सकता है। इनके उपयोग से मनोरंजक ढंग से ज्ञान कराया जा सकता है। हाँ तो भैया ये देखो, ये हुए घा, गा, सा, या, और ये वा, और ये आ की मात्रा। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ईमा देखो घा से का बने, घास, हाँ, और गा से गाय, सा से साग। अनुदेशक मोहन प्रौढ़ों को भाषण देकर कोई बात समझाने में विश्वास रखता है, लेकिन मदन अपनी बातों को कुछ इस प्रकार प्रतिभागियों तक पहुंचाता है। देखो ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, जौन अक्षर हम तुमका सबके सिखा चुका हैं, तो इसमें से तुमका सबका शब्द बनावे के, हम जो जो शब्द कहें वही वही तुम सब बनाओ। तो ऐसा करो, तुम आ जाओ, आओ बैठो, और तुम आ जाओ भैया, तुम हूँ आ जाओ। अब इसमें से तुमका बनावे छे घाव, हैं? और तुम भैया बनाओ साग, और तुम भैया बनाओ गाय। चलो पहचानो, बनाओ। हाँ तुम तो बना लो ठीक। हाँ हाँ तुम रहो ठीक, हाँ ठीक। देखो मदन, हाँ ठीक है, रख दो। तो भैया
आज हम सब लोग यहाँ एक नाटक करे जा रहे हैं। अब यह नाटक माँ भैया है ना, ये बने हैं बनिया है और ये बने हैं किसान। तो भैया तुमका सब जैसे समझावा रहे याद है ना? हाँ, ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, तो भैया अब तुम सब लोग देखो कि नाटक कैसे लोग कर रहे हैं, तो चलो शुरू करो। लाला जी आप कुछ मदद चाहिए? मदद कैसी? तो एक मन हमका धान चाहिए। एक मन धान? हाँ लाला जी। रामधन तुमका एक मन धान चाहिए? कोनो शादी है का? अभी शादी वादी कहाँ लाला जी, अभी तो हमारे पांचों बेटवा छोटे हैं। फिर कौन जरूरत आन पड़ी? अब का बताए लाला जी, आपका विश्वास ना हुए हमका बताए में भी शर्म लागत है, पर बताए का पड़े। अब जो खेत में अनाज उगत है वही अपने परिवार का ही नहीं पूरा परत है, खाना पीना तो चलाए का ही है, यही मारे हम आपके पास आए। ये तुम कह रहे हो रामधन काका? तुम तो गांव के अच्छे किसानन में से रहो। हमका अच्छी तरह याद है रामधन काका, तुम तो अनाज बिछतो रहो, फिर कुछ खेत वेत कम हो गया का? अरे नहीं नहीं, खेत तो उतना ही है। तो फिर सूखे का असर पड़ा होगा? नहीं नहीं, वही बात भी नहीं। रामधन काका, ना तो तुम शराब पियत हो, ना जुआ खेलत हो, और ना ही कोनो और बुरी लत है, फिर ही परिवार का राशन पानी कैसे नहीं चलत है? का बताएं लाला, यही तो हम भी सोचे थे कि हमसे कहां कब का ना समझी हुई गई। वाह भैया, बहुत बढ़िया नाटक के हो तुम सब। अजय भैया देख कीजिए बताओ कि अभी तुम सब नाटक देखे हो हैं? तो अपने गांव घर में हम लोगन के साथ ऐसन होत है कि नहीं? हाँ, ऐसन तो बहुत होत है। तो भैया अब आओ हम सब लोग यह बात पर विचार करें कि रामधन काका से का ना समझी होगी रही, इनकी चिंता का कारण है? कहीं ऐसन तो ना है कि यही ना समझी हम लोग खुद कह रहे हो? अरे भैया, पुरखन की जमीन जितनी रहे वो तो उतनी ही है, खाए वाले जरूर बढ़ गए हैं। मुलाही में हम का कैसे की थे, ये तो भगवान की ओर देन है। ठीक है काका, ये तो हम मानत चले आए हैं ना, लेकिन सच्ची जानकारी इसके बारे में दे के लिए कल जन कल्याण विभाग से एक अधिकारी आए रहे हैं, वो इसके बारे में सही सही और सच्ची जानकारी आप सबका दे। ठीक है ना? तो बहुत नीक बात है। अनुदेशक ऐसे नाटक प्रतिभागियों से खिलवा सकते हैं, इसके लिए उनकी भूमिका उन्हें ठीक से समझानी होगी। ऐसे नाटकों के विषय अनुदेशक उनके दैनिक जीवन की घटनाओं या गतिविधियों से ले सकते हैं। इस प्रकार कोई भी जटिल बात उन्हें आसानी से समझाई जा सकती है, साथ ही उनकी चेतना के विकास में उन्हें मदद मिलती है। आइए आज मैं आपको फिसल पट्टी बनाना बता देता हूँ, कैसे फिसल पट्टी बनाएंगे। अच्छा, एक बड़ा सा कोई कार्ड शीट ले लेते हैं, या कोई कागज मोटा या साफ जो भी हो, कोई जरूरी नहीं कि रंगीन ही लें, ले लेते हैं और उसके दो टुकड़े कर लेते हैं, एक बड़ा टुकड़ा रख लेते हैं और दो टुकड़े जो बड़े दूसरा जो टुकड़ा निकलता है उसकी पट्टियां बना लेते हैं, जैसे कि हमको आवश्यकता होती है पतली पतली ऐसी पट्टियां हम बना लेते हैं, और इन पट्टियों को बनाने के बाद जो भी हमने अक्षर सिखाए हैं उन अक्षरों को इस पर हम लिख लेते हैं, क्रम से ऐसा लिखते हैं कि उसमें ढूंढने के लिए खेल का उपयोग हो सके। जैसे एक पट्टी पर इस तरह के जो कुछ सब अक्षर लिखे हुए हैं ये लिख लेते हैं, और दूसरी पट्टी पर इस तरह के अक्षर लिख लेते हैं, और इन्हीं पट्टियों को ऊपर नीचे घुमाने से कुछ शब्द बनते हैं जो पहले सिखाए जा चुके हैं। इन पट्टियों पर जब आपने लिख लिया तो इस पट्टी को इसमें जो खांचे इसके साइड बराबर काट रखे हैं उसमें इस प्रकार लगाते हैं। इधर पहली पट्टी लगाते हैं और फिर इधर दूसरी पट्टी। Uh-huh.
अब ये पट्टी जब लग जाती है तो उसको इस तरह से रख के इसमें खेल के माध्यम से शब्द का बनाया सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है और उसकी पहचान भी प्रतिभागियों से कराई जा सकती है। इसी प्रकार अन्य अक्षरों और शब्दों के लिए इतने छोटे छोटे कार्ड काट लेते हैं इसी कार्ड।